नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के एम्स में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस विषय को लेकर ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन आयोजित किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्य अतिथि के रूप में संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी में WHO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय समेत विषय विशेषज्ञ एंटीबायोटिक पर शोध के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया गया। संगोष्ठी में एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर YK गुप्ता, एम्स भोपाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर अजय सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एंटीबायोटिक रोग प्रतिरोध तो करती है, लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट भी हैं। हालांकि इन्हीं चैलेंजेस को लेकर यह संगोष्ठी आयोजित की गई। इसके जो भी रिकमेंडेशन होगी उसमें प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। आज एम्स भोपाल में AMR को लेकर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के जो चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं उसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स के चेयरमैन, एम्स के डायरेक्टर साहब, WHO के प्रतिनिधि, NHM के प्रतिनिधि और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। एंटीबायोटिक निश्चित रूप से रोग प्रतिरोध तो करती है, परंतु उसके बहुत साइड इफेक्ट भी हैं, और उसके अधिक उपयोग से समाज में उसका रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। इन सब चैलेंजेस को लेकर ये संगोष्ठी का, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इस कॉन्फ्रेंस के जो भी रिकमेंडेशंस होंगे, मध्य प्रदेश सरकार से जो अपेक्षा है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।